जून के महीने की ऐसी उल्टी पुल्टी तस्वीर पहले शायद कभी नहीं दिखी थी। देश के पश्चिमी हिस्से में वायु तूफान के असर से बारिश हो रही है तो उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके 45 डिग्री की गर्मी में झुलस रहे हैं। धूप ऐसी चिलचिलाने वाली है कि नजरें ऊपर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो उधर कश्मीर घाटी का तापमान मैदानी इलाकों से 20 डिग्री से भी ज्यादा नीचे भरी गर्मी में ठंड का एहसास करा रहा है। इन हालात को भारत के नक्शे में देखिए तो तस्वीर और भी साफ होगी। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब के कुछ हिस्सों में तूफान के असर से बारिश हो रही है तो राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके भीषण गर्मी में तर बतर हो रहे हैं। पहाड़ों का रुख करें तो उत्तराखंड के जंगल गर्मी के असर से सुलग रहे हैं तो कश्मीर की वादियों में सर्द हवाएं चल रही हैं। दक्षिण भारत में मॉनसून दस्तक दे चुका है तो पूर्वी हिस्से में मॉनसून के पहले ही माहौल तर बतर है। हालांकि वायु तूफान के चलते दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी हल्की राहत मिली है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं जो वायु साइक्लोन है उसके चलते हुए हमारे पास राजस्थान से होते हुए दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है जो कि अरब सागर से नमी लेकर के आ रही है। तो इसकी वजह से जो पूर्वी राजस्थान है, हरियाणा का साउथ हरियाणा का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, यहाँ पर नमी आ रही है हमारे पास और इस वजह से तापमान में गिरावट। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान ये भी है कि अरब सागर में हो रही हलचल देश के मौसम के उठपटांग मिजाज को और भी भड़का सकती है। मॉनसून में पहले ही तकरीबन 10 दिनों की देरी हो चुकी है। वायु तूफान के चलते मॉनसून में और देरी की आशंका। तूफान के चलते उत्तर भारत में मॉनसून का इंतजार लंबा हो सकता है। तूफान के असर से अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। वो साइक्लोन की वजह से उसका जो विंड आ रहा है, उससे जो मॉइस्चर आ रहा है, उसके वजह से टेम्परेचर कम हो रहा है और आगे भी जाके टेम्परेचर कम होगा। लेकिन 16 और 17 तारीख को दिल्ली का जो है, दिल्ली में रेन होगा, अच्छा रेन होगा 16-17 को। आज यूपी में भी अच्छा खासा तापमात्रा का कमियाँ रिकॉर्ड किए गए, जैसे लखनऊ वगैरह में 7-8 डिग्री टेम्परेचर फॉल हुआ है। लेकिन मैदानी इलाकों में तूफान से मिलने वाली फौरी राहत से पहाड़ महरूम हैं। उत्तराखंड के रामनगर और उत्तरकाशी के जंगल भीषण गर्मी में फिर से धधक उठे हैं। यमुनोत्री हाईवे के किनारे किनारे धधकते हजारों एकड़ के जंगलों का मंजर दहशत में डालने वाला है। लेकिन अफसरों के पास आग पर काबू पाने का कोई रास्ता नहीं। प्रभाग स्तर पर हमारे उसमें कुल 32 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। जगह जगह पर जो हमारे क्रू स्टेशन हैं वहाँ पर आग से निपटने के लिए पर्याप्त सामग्री भी उपलब्ध कराया गया है और साथ ही साथ हमारे वन क्षेत्र में जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं वन अग्नि से संबंधित, तो वहाँ पर विशेष अलर्ट्स हैं और उनसे निपटने के लिए हमारे पास FSI से भी अलर्ट्स जारी होते हैं। 8 जून के केरल तट पर दस्तक देने के बाद मॉनसून मैंगलुरु तक पहुंच चुका है। लेट लतीफी के बावजूद इसके तेवरों में कमी नहीं आई है। मैंगलुरु में पहली बारिश में ही जमकर तबाही हुई है और करीब 15 मकान धराशायी हो गए हैं। दिल्ली से प्रशस्ते शांडिल्य के साथ आज तक ब्यूरो।